स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में एक बड़े और नए मोड़ पर पहुंचने वाली है और यहां राजनीतिक तहलका मचने वाला है, क्योंकि बिहार में इस वक्त जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से जो सरकार चल रही है, हो सकता है बहुत जल्द ये सरकार बदल जाए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बन जाए। जी हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के हाव भाव और नीतीश कुमार के अंदाज बता रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। उधर जेल से रिहाई के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाएंगे और उसके बाद पटना पहुंचेंगे, बिहार पहुंचेंगे, तो उसके बाद बिहार में नए राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बहुत से जानकार पूरे विश्वास के साथ ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त जिस तरह की स्थिति बन रही है, बिहार में जिस तरह के हालात बन गए हैं कोरोना काल में और खासकर कोरोना की दूसरी लहर में, बिहार सरकार जिस तरह से फेल हुई है, उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को दे रहे हैं। यानी अगर अच्छा हो तो वो भारतीय जनता पार्टी का और अगर बुरा हो तो वो नीतीश कुमार की जिम्मेदारी। नीतीश कुमार की पार्टी इस वक्त बीजेपी से छोटी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में दो दो उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी नीतियों को अपने दबाव में लेकर अपने हिसाब से बिहार में बनवा रही है। यानी यह कहा जाए कि बिहार की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रही है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर बिहार में इस वक्त कोरोना में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, मरीजों को ना दवाइयां मिल पाई ना एम्बुलेंस मिल पाए, और अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे बिहार में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसका पूरा सिस्टम नाबूद हो चुका है, और सरकार की तरफ से जो भी पहल की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। पूरी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और सब लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका एक जो उनकी एक बाइट है और या उनकी जो खबर है वो आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर चलाने वाले डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें, भर्ती के लिए हमने 3 बार कोशिश की। कौन कह रहा है? मंगल पांडे। ये कौन है? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और वो अभी से नहीं है, पिछले कार्यकाल में भी जो भाजपा जदयू की सरकार थी उसमें भी वो यही मुख्य वो स्वास्थ्य मंत्री थे। भाजपा के कोटे से ये मंत्री हैं। भाजपा के नेताओं पर अक्सर इस तरह की लापरवाही के आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ये एक गंभीर मामला है जहां पर स्वास्थ्य मंत्री इस तरह की लापरवाह भरी बातें कह रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि पप्पू यादव ने किस तरह से भाजपा के एक बहुत बड़े नेता और सांसद थे, उनके एम्बुलेंस कांड का खुलासा किया, और उसके बाद पप्पू यादव के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह बिहार की जनता और देश के लोग देख रहे हैं। तो बिहार में इस तरह की स्थिति चल रही है। इससे सच बात यही है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा आहत है। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अपनी छवि को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, और उनको यह लगता है कि उन्होंने जो पिछले कुछ सालों में, यानी तीसरा कार्यकाल उनके सरकार चलाने का है, और जिस तरह से भी वो चाहे जितने भी बदनाम हो, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए, और भाजपा की तरफ से जो भी काम किया जा रहा है उससे नीतीश कुमार की ही छवि खराब होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उधर बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में एक बड़े नेता जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, वो राजद से दोनों को, यानी जदयू और राष्ट्रीय जनता दल को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों के बड़े नेताओं के साथ भी कुछ बातचीत हुई है और ये बातचीत आगे बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हम ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को सामने रख के और नीतीश कुमार की सीटें कम करवा दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानते हैं एक तरह से नीतीश कुमार, और उनको लगता है कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी कदम उठाए वो भारतीय जनता पार्टी की शह पर ही कदम उठाए और इसी वजह से उनकी सीटें बिहार में कम हुई। तो भाजपा चुनाव के समय से ही नीतीश कुमार भाजपा से आहत थे, और अब
धीरे धीरे जिस तरह से बिहार में परिस्थिति बिगड़ी है, हालात खराब हुए हैं, विपक्ष के नेता लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं और राज्य की जनता में भारी गुस्सा है नीतीश कुमार की सरकार को लेकर, तो इसीलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनकी भारी बदनामी हो और आने वाले दिनों में यही सारी चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के साथ जोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। हालांकि बहुत सारे नेताओं का ये भी कहना है कि जो इस तरह की बातें और खबरें मीडिया में आ रही है वो सिर्फ एक रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार पर बहुत सारे दबाव बनाकर बहुत सारी रणनीतिक चीज़ें जो थी उनको अपने हिसाब से अपने फेवर में करने की कोशिश की है। इसीलिए नीतीश कुमार एक अलग राजनीति करके भाजपा पर दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये बात सच है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ, जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की जो बातें हैं और बिहार में सरकार बनाने की, यानी जनता दल यूनाइटेड और राजद के साथ सरकार बनाने की जो बातचीत है उसको लेकर मुख्यमंत्री के कुछ करीबी लोग और राष्ट्रीय जनता के दल के कुछ करीबी लोगों के बीच बातचीत हो रही है। बहुत जल्द इस पूरे मामले पर और भी तस्वीर साफ हो जाएगी और ये बात साफ हो जाएगी कि आखिर भाजपा के साथ कितने दिनों तक ये गठबंधन और चल सकता है। तेजस्वी यादव की जो सक्रियता है बिहार में वो भी लोगों को एक तरह से अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस पूरे कोरोना काल में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं और भाजपा के नेताओं को हम बिहार में देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से गायब नजर आ रहे हैं। भाजपा के इतनी बड़ी संख्या में सांसद हैं बिहार में, विधायक हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जनता के लिए जो काम करना था, केंद्र से जो बहुत सारी सुविधाएं थी, वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था वो बिहार में तेजी से करना था, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बारी चुनाव में ये बात कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्यों की स्थिति बदलेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी वो यही बात कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बहुत ज़्यादा विकास होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर घास रखे जाते हैं, वहाँ पर पेड़ और जंगल उगाए हैं, जानवरों की चरागाह वो एक तरह से बन गया है। DMCH की तस्वीरें भी इन दिनों वायरल हो रही हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि DMCH की हालत कितनी बदतर और कितनी बुरी है। DMCH को लेकर वहाँ पर मिथिलांचल का एक बड़ा इलाका है जिसको DMCH कवर करता है, लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय बनी हुई है कि उस अस्पताल को, यानी एक प्रीमियर हॉस्पिटल था बिहार का DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसको भी सरकार ठीक नहीं करा पाई। एम्स के नाम पर सपने दिखाए जा रहे हैं लेकिन वो एम्स कब स्टार्ट होगा इसका भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बिल्डिंग बनकर भले ही तैयार हो लेकिन लोगों को उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, पता नहीं आखिर कब सुविधाएं मिलेंगी, जब हजारों लोगों की मृत्यु हो जाएगी और लोग परेशान हो जाएंगे फिर जाकर सरकार कुछ कर पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में बदलता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्द बिहार से एक नई तस्वीर सामने आ जाएगी। फिर नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव दोनों का जो समन्वय है वो बहुत बेहतर हो सकता है, तो इसीलिए बिहार में नए राजनीतिक घटनाक्रम का लोग इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार को कई वर्षों तक पीछे ढकेल दिया गया है जदयू और भाजपा की सरकार के दौर में, खासकर यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते बिहार में बहुत विकास होगा, बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए लेकिन सच नहीं हो सका, वो सपना साकार नहीं हो सका। देशभर में जिस तरह की स्थिति है उससे बदतर हालत बिहार की हो गई है। थोड़ा और इंतजार कीजिए और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी वो हम आपको फौरन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितनी जल्दी बिहार में सरकार बदलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।